वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और हैदराबाद आए हुए मुझे हो गए हैं 4 दिन, और 4 दिन बड़े बड़े मस्त गुजरे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। सर्दी भी यहाँ पे ज़्यादा है कराची से। और जो है, अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। तो यहाँ पे मेरी अम्मा जी भी आ गई थी, नाना के घर पे थी अम्मी, और अम्मी यहाँ पे आके मेरे ससुराल में यहाँ पे आके ना अम्मी चकोतरे खा रही हैं, यहाँ पे फ्रूट व्रूट खा के अपनी जान बना रही हैं। अम्मी चकोतरा क्यों खा रही हो? शुगर के लिए। शुगर के लिए अम्मी चकोतरा खा रही हैं, यहाँ पे आके जान बना रही हैं। तो भाई आज का सीन ये था कि आज हमारा इन्विटेशन है रेहान की खाला की तरफ से, रेहान की सिस्टर की तरफ से। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, फिर मिलते हैं आप लोग से तैयार शैयार होके। तो भाई मैंने सोचा यार जाने से पहले जो है ना एक दफ़ा चाय पी लूँ मैं खुद अपने हाथों से बना के। यहाँ पे जो है ना कोई काम शाम करना नहीं पड़ रहा, जब से आई हूँ यहाँ पे फुल अयाशियों वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। और जो मेरी जिठानियाँ वगैरह हैं कोई काम वाम नहीं करवा रही, तो मैंने सोचा यार आज मुझे खुद चाय बनाने दो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, यहाँ पर अभी कहवा बन रहा है, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलपर्स दूध। और यहाँ पर ज़्यादा चाय ना यार कहवा बना कर ना फिर उसमें दूध ऐड करके फिर चाय को पकाते हैं। A few moments later. तो भाई कहवा तो यहाँ पे हमारा बन गया था, काफ़ी देर से पक रहा है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। और फिर मैं इसको पकाऊँगी थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट और पकाऊँगी, फिर मेरी चाय रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो चुकी थी, अब मैं चाय निकाल रही हूँ, फिर चाय शाय पीते हैं हम लोग, फिर रेडी होते हैं। रैयान साहब आ चुके हैं, ये अपने पापा के साथ छत पे थे ना, और यार की तबीयत ठीक नहीं है, बस ये सुबह से जो है ना ऐसे ही चिड़चिड़ा रहे, तंग कर रहे हैं बार बार जो है ना, रो रहे। मतलब क्या हो गया आपको? कम खिलाऊं? कम नहीं खाया ना अभी तक आपने? खाना खिलाऊं आपको? तो अभी मैं इसको खाना वगैरह खिलाती हूँ, इसने सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं है, और बस ये ऐसे रो जा रहे हैं, ना फीडर वगैरह पी रहे हैं। तो अभी मैं रैयान को खिलाती हूँ खाना। अरे रैयान का ध्यान रखना, ये चाय ना गिरा दे। यहाँ पर रैयान साहब आ गए चाय पीने, और यहाँ पे जो है ना अम्मी जो है ना सो रही है। अम्मी की ना आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को अम्मी को जो है ना काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो अभी चाय वगैरह पीते हैं। अभी रैयान की भी माशाल्लाह थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, थोड़ा सा खेलने लगे, मैंने उनको सिरप पिलाया था फेब्रोल। ये रैयान साहब बैठ के ना अपनी कज़न की चीज़ों का कर रहे हैं कबाड़ा। ना आपने आप ही की बॉक्स निकाली हुई बेटा, रखो, कैप नहीं खोलना इसका, आपके हैंड्स गंदे होंगे ना, क्या कर रहे हो आप? और यार यहाँ पे जो है ना मैं अम्मी के कपड़े प्रेस कर रही थी जाने के लिए, तो पहले मैं करती हूँ कपड़े प्रेस। One hour later. यार तो मेरी प्रेस वगैरह हो गई थी, अब मैं जाती हूँ नीचे और फिर रेडी शेडी होते हैं। मैं आ गई हूँ नीचे और मैं अपने कपड़े दिखाती हूँ। रैयान के लिए पहले मैंने ये वाले कपड़े निकाले थे, बट ये वाले कपड़े मैं रैयान को पहना नहीं रही, और मैंने अपने लिए ये वाले कपड़े निकाले थे। तो अभी मैं चेंज करती हूँ कपड़े। तो यार यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, अब रैयान साहब आ गए अपने बाबा के साथ, ये गए हुए थे बाहर, तो फिर मैं इसको अभी रेडी करती हूँ। रैयान के कपड़े ऊपर हैं, किसी बच्चे से मुझे इसके कपड़े मंगवा दो। इब्राहिम ऊपर जाओ, रैयान की ऑरेंज शर्ट और अपर होगा येलो कलर का, वो लेकर आओ जल्दी से, फिर मैं रैयान को तैयार करती हूँ। अभी मैं थोड़े से अपने बाल वगैरह बनाती हूँ, फिर हम जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी फाइनली, और ये है मेरा फुल लुक। तो भाई आज मैंने पहनी थी लॉन्ग शर्ट और स्ट्रेट ट्राउज़र। यहाँ पे जो मेरी जो माँ जी है ना ये भी रेडी होकर बैठी हुई, थोड़े गुस्से में बैठी हुई, मम्मी कह रही है बहुत ज़्यादा देर हो रही है। और जो है ना रैयान ने ना रो रो के बुरा हाल किया हुआ, उसको कपड़े वगैरह सब पहना दिए, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ क्योंकि आज उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन मुन्ना इधर आओ, क्या हुआ है आपको, रो क्यों रहे हो आप? हाँ इतने अच्छे तैयार करा, आपको रो क्यों रहे हो? इसकी तबीयत ठीक नहीं है यार, इसको सिरप पिलाती हूँ अभी। तो भाई अभी हम जाते हैं, अभी मिलते हैं आप लोगों से आके। Many hours later. तो यार मैं आ
आ गई थी घर, अब मैं आके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और ये रैयान साहब जो है ना, माशाल्लाह अभी तो खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फुप्पो के घर बे इंतहा तंग किया है। इतना रोए हैं ना, सुकून से इन्होंने खाना खाने दिया, बस ए ए ए लगाई हुई थी। और अभी ये माशाल्लाह से अपनी गाड़ी चलाने में मसरूफ है, तो रेहान अभी इसको दवाई दिलाकर लाए हैं, तो अभी माशाल्लाह ये थोड़े बेहतर लग रहे हैं। मुन्ना मुन्ना, आपको नींद नहीं आ रही? रेहान अन्ना घर आऊँ बेटे, मम्मा क्या बोल रही? मम्मा की तरफ देखो, मम्मा की तरफ देखो, मम्मा मम्मा बेटा मुन्ना आपको अन्नी कराऊं। आओ आपके कपड़े चेंज करवाती हूँ, फिर आपको अन्ना कराती हूँ। वैसे भी अभी टाइम भी हो रहा है, 11:30 होने वाले हैं, और ये रैयान के सोने का टाइम है। तो भाई मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि रात को भी रैयान जो है ना 2-4 दफ़ा उठ रहे थे, बुखार हो रहा था इसको और इसके जिस्म में भी दर्द हो रहा था। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।